मुल्क के आम आवाम पर महंगाई की मुसलसल मार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल 30 पैसे फी लीटर और डीजल 35 पैसे लीटर हुआ महंगा। रसोई गैस की कीमतों में भी 15 रुपए का उछाल। उत्तराखंड के रुड़की में चर्च में शरपसंदों की जानिब से मचाई गई तोड़फोड़ के बाद अब मुतासरीन पर ही आई आफत। शरपसंदों की गिरफ्तारी के बजाय मुतासरीन पर ही दर्ज हुआ मुकदमा। तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाते हुए चर्च पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने मचाई थी तोड़फोड़। मौलाना कलीम सिद्दीकी मामले में अब यूपी एटीएस की एक और बड़ी कार्रवाई। शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे और घर पर अंजाम दी गई छापामार कार्रवाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी से रवाबित के इल्ज़ाम में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। यूपी में योगी काजी बगरीब राम राज किसानों के कातिल आज़ाद, लेकिन गम में शरीक होने जा रहे अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार। कई रहनुमाओं को एयरपोर्ट से बाहर तक निकलने की नहीं दी गई इजाज़त। किसानों को कुचलना वजीर के बेटे के मनसूबाबंद साजिश। किसानों की शिकायत की बुनियाद पर लिखे FIR में वजीर के बेटे के फायरिंग की भी बात। दूसरी तरफ सुमित जायसवाल ने भी दर्ज किए FIR। लखीमपुर खीरी हादसे के बाद पुलिस की पूछताछ की एक और वीडियो वायरल। वीडियो में वजीर के बेटे की मौजूदगी का एतराफ करता नजर आ रहा है ड्राइवर। एक और वायरल वीडियो में किसानों को कुचलती नजर आ रही है कार। पिताजी का नाम, गांव कौन सा है? चारबाग। चारबाग लखनऊ, चारबाग थाना हुसैन मिर्जी चौककार। जो यहां कैसे आए थे? अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहां आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर। गाड़ी नंबर? 0036। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे उनका नाम। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? क्यों उसके बारे में नहीं मालूम? वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ। भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थारे उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है? वो सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। सीतापुर में कई घंटे हिरासत में रखे जाने के बाद गिरफ्तार की गई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 11 रहनुमाओं पर दर्ज हुआ केस। वकील से भी मिलने की इजाजत नहीं। गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान का कैंडल मार्च। सिद्धू ने रिहा न करने पर लखीमपुर खीरी में एहतजाज का दिया इंतबाह। लखीमपुर खीरी मामले पर ओवैसी का योगी पर तंज। बोले, यूपी में ठोक दो वाली पॉलिसी पर हो रहा है अमल। वाकई को मनसूबाबंद करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी और योगी को भी बनाया तनकीद का निशाना। कई लोगों को रोन दिया गया, ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है ये। भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब एक साल हो गए, 200 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नज़र आ रही वहाँ पर। लखीमपुर जाने की इजाज़त देने से योगी हुकूमत के इनकार के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। पंजाब वज़ीर-ए-आला चरणजीत चन्नी भी साथ। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी को नहीं मिली लखनऊ जाने की इजाज़त। राहुल बोले, मुनज़्ज़म तरीके से किसानों पर हमला कर उनकी तौहीन कर रही है सरकार। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये सबके, ये चोरी सबके सामने हो रही है, इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। कोयले की कमी की वजह से मुश्किल में कई पावर प्लांट। मुल्क में बिजली की परेशानी का इम्कान। वजीर तवानाई बोले, हमारे पास रोलिंग प्रोसेस में 4 दिन का होल्डिंग स्टॉक, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक मामूल पर लौटाएगी सूरत हाल। 2022 कॉमनवेल्थ गेम के लिए हिंदुस्तान नहीं भेजेगा अपनी मर्द और खवातीन की हॉकी टीम। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। हॉकी फेडरेशन ने कहा, सितंबर में होने वाले एशियाड पर देना है तवज्जो।
धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 18,800 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद 203 दिनों में सबसे कम, 24 घंटे में 263 लोगों की मौत। कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद भी स्कूल की फीस में 15% की कमी नहीं, एहतजाज में उतरे बच्चों के सरपरस्त, कहा हम बच्चों के वालिदैन हैं, कोई एटीएम मशीन नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मजीद खबरों के लिए विजिट करें फिक्र खबर .com।